फ्रेंड्स, मैं रूबल धनखड़ और आप देख रहे हैं रूबल धनखड़ फिटनेस। आज मैं हूँ लाफ फिटनेस सेक्टर 18 नोएडा में और मेरे साथ है ममता डागर। हेलो ममता, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा ममता, मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, ये पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और अब एक वर्कआउट करवाती हैं और एक ट्रेनर भी हैं, तो आपने कैसे स्विच किया? स्विच कैसे किया? एक्चुअली ऐसा कोई पहले से प्री प्लान नहीं था, तो मैं जस्ट फिटनेस फ्रीक थी और इसका क्रेडिट मैं दे सकती हूँ मेरे फादर को, बिकॉज एक तो एज वी बिलोंग टू अ जाट फैमिली, तो हमारे ब्लड में होता है कहीं ना कहीं फिटनेस, आप समझ सकते हैं इस बात को। फिर मेरे फादर आर्मी में थे, तो उन्होंने बचपन से, मतलब आई एम द एल्डर चाइल्ड इन माई फैमिली, तो उन्होंने बचपन से मेरे को ये चीज़ सिखाई थी कि पढ़ाई बाद में, फिटनेस पहले, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ थी। बट जैसे जैसे बड़े हो रही थी मैं, तो धीरे धीरे यू नो, जैसे हर लड़की को, मिडिल क्लास फैमिली को, और स्पेशली व्हेन यू बिलोंग टू अ जाट फैमिली, तो हर लड़की के लिए एक रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक रूल है, एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है कि आपको इसी में ऐसे ही करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको टीचर, बैंक का जॉब करना है, या इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, इससे ज़्यादा कोई नहीं सोचता। फिटनेस जैसा फील्ड तो लड़की के लिए बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करता सोसाइटी, जैसे दिल्ली एनसीआर में खासकर, आप, और या फिर हरियाणा में खासकर आप बोल सकते हैं, और हरियाणा के किसी शहर या गांव से आप बिलोंग करते हैं, फिर तो आप भूल जाएं कि फिटनेस जैसे फील्ड में आपको करियर बनाने के लिए फैमिली मोटिवेट करेगी या आपको मतलब आप जा सकते हैं उस चीज़ के लिए। सो ऑल्दो मेरे फादर का बहुत ज़्यादा, मेरे फादर फिटनेस को लेके बहुत कॉन्शियस होते थे, तो उन्होंने वो चीज़ सिखाया, बट जस्ट बिकॉज आई वॉज़ अ गर्ल, तो उन्होंने ये चूज़ नहीं किया। तो जैसे कि सब टिपिकल एक लड़की का लाइफ होता है, वैसे ही मेरी पढ़ाई हुई, मास्टर्स हुई, फिर मास्टर्स होने के बाद ऑब्वियसली मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना था क्योंकि मैंने पढ़ाई वो की थी, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ जो एक बचपन पूरे उसमें निकला, तो फिटनेस कभी गया नहीं लाइफ से। एंड व्हेन आई वाज वर्किंग इनटू इंडस्ट्री, तो 4 साल मैंने काम किया, और 4 साल काम करने के बाद मुझे एक्चुअली में वैल्यू समझ में आया फिटनेस का, क्योंकि अगर फिटनेस नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो उस, आप चाहे इंजीनियर हैं, आप चाहे डॉक्टर हैं, या आप कुछ भी हैं, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। ये चीज़ मुझे उन 4 सालों में, जो लोग कहते हैं, जो कोट्स में लिखा है, बुक्स में लिखा है, वो सब अभी हम सुन लेते हैं, बट जब आप फील करते हैं, तो मेरे वो 4 साल जो थे, वो आई रियलाइज ऑल दोज कोट्स, तो दैट्स हाउ मेरा मतलब जो पैशन था, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब तो चेज करना ही है, तो बस मैंने स्विच कर लिया अपना। अभी आप वेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट भी हैं? हाँ जी। और एक आप फाउंडर भी हैं शेप एंड यू, तो वो क्या है, उसके बारे में बताएंगे आप? जी, तो शेप एंड यू यही था कि जब मैंने स्विच किया, तो मैं, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, क्योंकि मैं एक, मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक बहुत ही नॉर्मल से, सिंपल से फैमिली से है, तो मैं उस चीज़ को, स्ट्रगल को क्रॉस करके आई, तो मुझे पता है कि वहाँ पर लड़कियों को अलाउ ही नहीं करते, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट हर लड़की में टैलेंट है और हर लड़की करना चाहती है। तो शेप एंड यू एक मेरा इनिशिएटिव है कि हर फीमेल तक, चाहे वो छोटे शहर या गांव से बिलोंग करती है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन की है, फिटनेस इज़ फॉर एवरी वन, सो दिस इज़ माई इनिशिएटिव। मतलब मैं नहीं चाहती कि जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है, जिम का एक्सेस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जो गाँव की लेडी हैं या लड़कियाँ हैं, लेकिन क्योंकि अब आप देखते हैं गाँव गाँव जैसे नहीं रहे, तो हर लड़की के पास फिटनेस का एक्सेस हो, उनको नॉलेज हो, उनको फूड की नॉलेज हो, उनको एक्सरसाइज की नॉलेज हो, तो उन औरतों के लिए शेप एंड यू मेरा इनिशिएटिव है। अच्छा, तो आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी फैमिली? आप जाट फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है, जैसे कोई भी जिम में आता है जाट फैमिली से, अपने बच्चों को लेकर आता है, तो वो सबसे पहले ये पूछता है क्या लड़कियों का अलग टाइमिंग है, तो आप एडजस्ट कैसे किया आपने ये लड़कों के साथ? जी, तो बिल्कुल मेरे फादर का एक्चुअली में पहला सवाल यही था, अच्छा लड़कों का जिम है या सिर्फ लड़कियों का जिम है, या लड़के लड़की दोनों आते? सबसे पहला क्वेश्चन मेरे फादर का ये था। ये वो फादर हैं जिन्होंने मुझे, जब मैं 6 या 7 साल की थी, तो उस टाइम पे जो मुझसे पुलअप्स करवाते थे, कोई फादर अपने बेटी से नहीं करवाता है, तो एक्चुअली में मेरे फादर इतने टिपिकल थे, फूड को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस थे, तो वो इंसान, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया। एक्चुअली इट्स वेरी सैडनिंग अगर लड़के हैं या लड़कियां हर चीज़ पे जब ये सवाल पूछा जाता है, तो काफ़ी, इट्स वेरी सैड। तो
लेकिन जैसे जैसे टाइम बदल रहा है तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, थोड़ा थोड़ा वो भी समझते हैं, तो अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। मेरे साथ पहला क्वेश्चन यही था, बट व्हेन आई टोल्ड देम कि नहीं डैडी, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अलग से लड़कों का जिम है या अलग से लड़कियों का जिम है, और जिम में जाने का मतलब ही ये है कि मैं लड़कों को भी फेस कर सकूँ, इसलिए मैं जिम आ रही हूँ, मैं अवॉइड करने के लिए जिम नहीं जा रही हूँ लड़कों को। और ऐसे नहीं होगा कि लड़कों की अलग दुनिया बनी है तो लड़कियों की, हमें रहना तो इसी दुनिया में है ना, तो लड़की को इंडिपेंडेंट बनाने का मतलब ये है जब वो अपनी लाइफ में हर सिचुएशन को फेस कर सके। आपने इतना पढ़ाया लिखाया उसका कोई मतलब नहीं है, और मैं इंडिपेंडेंट भी नहीं हूँ, सिर्फ एक महीने की सैलरी कमाना इंडिपेंडेंस नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो कन्विंस हो गए। अच्छा, जैसे मैं भी एक लोकल परिवार से हूँ, मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे आम आदमी, आप भी एक जाट फैमिली से बिलोंग करते, तो ऐसी फैमिली जिनमें लड़कियां नहीं जा पाती जिम में, जो आप शेप एंड यू के द्वारा कर रहे हो, आप चैनल के थ्रू कुछ ऐसा उन्हें टिप्स देना चाहेंगे जो उनकी हेल्थ के लिए और अच्छा हो, बेटर हो? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप छोटे शहर से हैं या आप गाँव से हैं या जिम जाने से ही फिटनेस है, फिटनेस इज इन यू, तो फिटनेस जो है, हेल्थ जो है, वो आपके अंदर है। आपको समझ होनी चाहिए चीज़ों की, ऐसा नहीं है फैंसी फूड आप खाएंगे तो ही फिटनेस या हेल्थ को आप मेंटेन कर पाएंगे, या सिर्फ जिम में जाने से ही फिटनेस को मेंटेन कर पाएंगे। होम वर्कआउट है, बॉडी वेट वर्कआउट है, जो हम खाते हैं, जो आप भी अभी अपने रेगुलर डाइट में खा रहे हैं, सिर्फ उसी को समझना और उसी में थोड़े थोड़े चेंजेस करना, वो बहुत ज़रूरी है। तो वही एक अपने आप को, वही एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। तो कोई रूल नहीं है एक्चुअली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबको जिम में जाके ही फिट होना है, फिट आप कैसे भी हो सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए और आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे फिट होना है। जैसे एक नॉर्मल फैमिली से कोई लड़की है, उसमें नॉर्मल खाना है जैसे दही, दाल, चावल, रोटी, और जो डेली वर्क करती है, तो उसके लिए क्या टिप्स है कि वो अपनी बॉडी को, अपनी फिटनेस को मेंटेन करने के लिए उस डाइट से कैसे मैनेज करे? देखिए, बिल्कुल हो सकता है आपको, सबको ऐसा नहीं है फिट और हेल्दी रहने के लिए सिर्फ पूरा फिटनेस में ही आप चले जाएं, सबका अपना प्रोफेशन है, आपकी पर्सनल लाइफ भी है। तो अगर आप दिन में सिर्फ 40 मिनट का कोई भी वर्कआउट करते हैं, आप बॉडी वेट करते हैं, आप योगा करते हैं, इनफैक्ट आप डांसिंग करते हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आप कुछ भी करते हैं, अपना जो भी आपका इंटरेस्ट है वैसा आप कुछ भी करते हैं, और फूड में अगर आप छोटे छोटे चेंजेस करते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल अगर वेज फूड की बात करें, जो हम घरों में खाते हैं, दाल खाते हैं, चने खाते हैं, दही खाते हैं, इतना हेल्दी, इतनी जो हमारा रेगुलर इंडियन फूड है, बहुत न्यूट्रिशियस फूड है, बस उसको कुक करने का कई बार हमारा तरीका ऐसा होता है कि वो इतना अनहेल्दी हम उसको बना लेते हैं। तो अगर मैं यही बात करूं दाल बनाने की, तो एक दाल में बहुत प्रोटीन है, तो अगर मैं उसको कैसे कुक कर रही हूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और स्पेशली मुझे लगता है कि एक फैमिली के फीमेल को न्यूट्रिशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका फिटनेस जो है ना, आपके पूरे फैमिली का फिटनेस किचन में है, और एक किचन कौन संभालता है, एक फीमेल संभालती है, तो अगर उसको न्यूट्रिशन और फूड का पता है तो वो पूरे फैमिली की हेल्थ का ध्यान रख सकती है। तो मुझे लगता है कि हर घर में और हर घर के जितने भी फीमेल्स हैं उनको तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए, एक बार को मेल्स को नहीं पता होगा, मैनेज हो जाएगा, बट फीमेल को पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चों को, माँ का जो न्यूट्रिशन बच्चों को देती है, उनका नॉलेज होना। अब जैसे एक फैमिली में आप, मान लो मैं हूँ, मैं 40 मिनट वर्कआउट करता हूँ, बाकी का डिपेंड तो हमारा घर करता है ना, जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, डाइट लेते हैं। आप देखिए, जैसे आजकल जितने भी फास्ट फूड हैं और जितने भी नए नए रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, तो आजकल की मदर्स का मैंने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व किया है, अगर आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टाइम पे अगर आप कभी मैकडी जाएंगे तो आप देखिएगा, मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, सुबह 7 बजे वहाँ का ब्रेकफास्ट खुलता है, एंड यू विल सी मदर्स अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आई होती हैं, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक उनको ब्रेकफास्ट में खिलाने, तो कैसे उनके हेल्दी हैबिट्स डेवलप होंगे? तो मदर को पता होगा तब तो वो बच्चे को सिखाएगी, तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आपने सुना, ममता बता रही है आपको फिटनेस टिप्स, तो आप घर में रह के भी अपने आप को वर्कआउट के द्वारा सिंपल चीज़ों में चेंजेस करके डाइट में अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो ये अगर आपके पास कोई एक ऐसा गुरु मंत्र हो जो आप देना चाहते हो लड़कियों के लिए, जैसे आप मोटिवेट हो, उन्हें मोटिवेट करना चाहते हो मेरे चैनल से, तो आप क्या कहेंगे? मोटिवेशन बिल्कुल यही है, देखिए
आप मोटिवेशन के लिए, सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लें कि आप मोटिवेशन के लिए कहीं बाहर मत जाएं, क्योंकि जो मोटिवेशन है वो आपको अपने अंदर आएगा। आप अपनी लाइफ में अगर अभी देखें आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो अगर आप उन चैलेंजेस के सॉल्यूशन देखेंगे तो वो आपके अंदर है। तो मोटिवेशन मुझे देख के या मेरे जैसी किसी और लड़की को देख के मुझे नहीं लगता जो मोटिवेशन है वो, तो वो जो आएगा वो 5 मिनट के लिए आएगा। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मोटिवेट हो जाएंगे, अगले 5 मिनट बाद आप भूल जाएंगे। तो मुझे आप नहीं याद रखेंगे, क्योंकि मुझे आप पर्सनली नहीं जानते। तो जो मोटिवेशन है वो ये होना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपके प्रॉब्लम्स आपका मोटिवेशन है। एक लास्ट सवाल और, ये तो थी जो घर में रहती है लेडीज़, बहुत सी ऐसी हैं जो वर्किंग है जी। तो उनके लिए जैसे उन्हें बच्चे भी देखने हैं सुबह का, कई लेडीज़ ऐसी हैं जो सुबह का ब्रेकफास्ट बना के लंच बना के उसके बाद ऑफिस जाती है, अपने काम पर जाती है, तो उनके लिए कोई टिप्स? जी एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो वर्किंग लेडी हैं उनके लिए अभी जो आजकल का लाइफस्टाइल है वो एक्चुअली में बहुत डिफ़िकल्ट है। बिकॉज़ अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, आपके किड्स भी हैं, फैमिली है, हस्बैंड है, फिर आपका ऑफिस है, बॉस है, बहुत सारा ये टैंट्रम है, और मैं एक्चुअली फेस कर चुकी हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है, बहुत स्ट्रगलिंग है। बट आप छोटे छोटे चीज़ों को पे ध्यान देके आप मैनेज कर सकते हैं। आप अगर पूरा फ्री नहीं है, आप 1 घंटा नहीं दे सकते, तो आप 30 मिनट दे सकते हैं, वॉक करने जैसे। आप वॉक करने जैसा कर सकते हैं। आप दिन का अगर 1 घंटा नहीं दे पाते हैं, आप चाहे 20 मिनट देते हैं, बट आप अपना रूटीन बना के रखें, क्योंकि जो चीज़ें रूटीन में रहेंगी वो धीरे 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 इम्प्रूव हो जाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल, जिनके पास टाइम है वो 1.5 घंटा दे रहे हैं अपने फिटनेस को, तो वो अपने गोल्स 2 महीने में या 4 महीने में अचीव कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को 6 महीने में अचीव कर लेंगे, लेकिन आप अचीव कर लेंगे बिकॉज आप ट्राई कर रहे हैं। तो रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। ममता, एक सबसे बड़ा जो मिथ है लड़कियों में जिम को लेके, आधी फैमिली तो जिम में इसलिए नहीं भेजते कि लड़कियाँ वर्कआउट करेंगी या जिम करेंगी तो वो लड़कों जैसे दिखने लगेंगी, तो ऐसा क्या कुछ है? ऐसा बिल्कुल है, और मैं एक पर्सनल स्टोरी बताऊंगी इस चीज़ पे। मैं बचपन से वर्कआउट करती हूँ, मुझे बचपन से मेरे फादर ने बॉडी वेट जितने भी एक्सरसाइजेस होते हैं तो ये मुझे करवाते आए हैं, तो मैं करती हूँ। मैं योगा भी करती थी, लेकिन मैं जिम नहीं जाती थी। सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तब मैं एक्चुअली मैं ये सोचती थी कि जिम अगर मैं जाऊँगी तो मैं तो लड़कों जैसी दिखने लग जाऊँगी, मेरे तो ऐसे मसल निकल आएंगे, और मुझे जिम नहीं जाना चाहिए, फिट रहने के लिए मैं यही कर सकती हूँ। तो ये मुझे लगता था, तो मैं समझ सकती हूँ कि लोगों को क्यों ये चीज़ लगती है, क्यों लगती है। इसका रीज़न अब मैं बता सकती हूँ, क्योंकि जो पिक्चर है ना, जो लोग जिम में नहीं आए हैं, जिनको नहीं पता वर्कआउट, जिनको नहीं पता न्यूट्रिशन, उनको जो बाहर पिक्चर है वो यही है। क्योंकि जो प्रमोशन जिस तरह से होता है फिटनेस का, हम कह सकते हैं, या जो लड़कियाँ फिटनेस में हैं वो लड़कियाँ हैं, या तो वो कम्पीट करती हैं या वो स्टेज कॉम्पिटिटर हैं। तो स्टेज कॉम्पिटिटर एक अलग चीज़ है, और स्टेज कॉम्पिटिटर की जो जर्नी है वो नॉर्मल फिटनेस जर्नी से अलग है। तो उनका जो डाइट है वो अलग है, और डाइट के अलावा भी आपको पता ही है उन लोगों को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। सिंपल डाइट से तो वो ऐसी नहीं दिख रही है। मतलब ये नहीं है कि आप अगर जिम जा रहे हो तो आपका मकसद खाली कम्पीट करना ही है, आप फिट करने के लिए जाते हो। बिल्कुल, फिट करने के लिए भी तो आप जिम जा सकते हो। मैं भी कम्पीट नहीं करता। मैं भी कम्पीट नहीं करती। मैं 2 साल से जिम में हैवी वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ, बट थैंकफुली मैं तो अभी तक लड़का नहीं दिखी हूँ। तो आई होप ये बात भी आपके समझ में आई होगी, लड़कियों के जिम जाने से वो लड़के जैसे नहीं दिखती। ममता, और कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी। ये मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है कि जिम जाके हम लड़कों जैसे दिखने लग जाएंगे। प्लीज़ आप ये ना सोचें, क्योंकि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी जब मैं ये सोचती थी। एक्चुअली मैं जब जिम में आई, और मैंने जब से भी जिम करना स्टार्ट किया तो मैंने वेट ट्रेनिंग से ही स्टार्ट किया। तो वेट ट्रेनिंग करने से मुझे मेरा जो स्ट्रेंथ बढ़ा, मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, और एक लड़की के अंदर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप बाहर जाने में डरते हैं हम लड़कियां, तो वो चीज़ को लेके मुझे बहुत हेल्प हुई। ऑल्दो मैं डरती नहीं थी, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैंने 2 साल से अगर मैं कर रही हूँ तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा चेंज है। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करती हूँ कि लड़कियों को जिम जाना चाहिए, अगर आप जा सकते हैं तो बिल्कुल जाएं, और कार्डियो से ज़्यादा आप वेट ट्रेनिंग पे फोकस करें। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आई होप जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें समझ में आई होगी फिटनेस की इम्पोर्टेंस, जिम जाके नहीं, आप घर में भी कर सकते हैं, ऑफिस वाली
जो महिलाएं वो भी कर सकती हैं या कोई घर में रहती हैं लड़कियां वो भी कर सकती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ममता आपका हमारे चैनल पर आने का। और ममता का इंस्टाग्राम पेज है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और शेप एंड यू भी ऑनलाइन का, शेप एंड यू का भी इंस्टाग्राम पेज है और यूट्यूब चैनल है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।